और मैं आ आ गई आपके पास लेकर का बाद रहा है बट ठीक है आ गया एट लास्ट सो अभी मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको इस वीडियो में दो टाइप का जर्नल्स कराऊंगी मतलब दो टाइप का होता है सिंपल जर्नल्स होता है कंपाउंड जर्नल्स होता है तो दोनों का मैंने एक एक सम बना के रखा हुआ है सो so, पहले सिंपल जर्नल्स करेंगे उसके बाद कंपाउंड जर्नल्स करेंगे सो so, पहले हम लोग सिंपल जर्नल्स कर लेते हैं सिंपल एंट्रीज के साथ सो so, आप क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उससे पी डाउनलोड कर सकते हो उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चन और आंसर्स दोनों मिल जाएगा और नहीं तो नेक्स्ट अभी स्क्रीन पर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा उसको स्क्रीन शॉट कर सकते हो कॉपी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो एज पर योर नीट एंड कम्फर्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस कैपिटल ऑफ अब बिजनेस चालू करने के लिए कैपिटल चाहिए कैपिटल लेके आया वन लाख का और कैपिटल का नीचे जैसे हम लोग को पता है कि क्रेडिट होता है सो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कैपिटल कैश आ रहा है तो कैश भी बढ़ रहा है सो so, कैश डेबिट कैश का नेचर, नेचर होता है हम लोग का डेबिट सो so, जब कैश बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा और जब कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कमेंट बिजनेस विद कैपिटल इज वन लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अगेन आपको हर जर्नल के नीचे नरेशन लिखना पड़ेगा नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा लिखोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं बट स्टिल लिखना है तो लिखना पड़ेगा और जर्नल का फॉर्मेट ऐसे ही होता है आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो लाइक लेजर फोलियो तो बिल्कुल भी नहीं अभी हम लोग को काम नहीं आता है तो बहुत लोग बनाना भूल जाते हैं लेजर फोलियो बट इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली सो लेजर फोलियो को मिस नहीं करना है और डेट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा फिर भी आपको डेट कॉलम बनाना है अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली सो डेट रहेगा लेजर फोलियो रहेगा दोनों रहेगा सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया देन सेकेंड इलेवेंथ में को परचेज गुड्स फ्रॉम सिमरन फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अब यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कि कैश में खरीदा है कि क्रेडिट में खरीदा है सो so, uh, कुछ नहीं बोलेगा तब तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो उधार में खरीदा है तो उधार में किससे uh, माने कि मानसे खरीदा है सिमरन से बीस हजार का गुड्स सो परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड बिकॉज परचेज हमारा डेबिट नेचर होता है गुड्स हमारा डेबिट नेचर होता है सो so, जब गुड्स बढ़ेगा परचेज कर करा है तो गुड्स बढ़ रहा है तो गुड्स बढ़ेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट और किससे खरीद रहा है सिमरन से उसको किसको देना है पैसा क्रेडिटर कौन है सिमरन सो टू सिमरन अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड ऐसे ही हम लोग का थर्टींथ मेंचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड अब इसमें मेंशन कर दिया कि कैश में खरीदा है तो परचेज टू कैश होगा इसमें और तो कुछ सोचने का है नहीं तो और कोई नाम भी नहीं दिया हुआ है सो परचेज टू कैश फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड में परचेज गुड्स फ्रॉम अभी फॉर कैश रुपीज नाइन थाउजेंड अब इसमें देखिए आपको नाम भी दे चुका है कैश भी दिया है दोनों बोल दिया कि अभी से खरीदा है इतना रुपए में इतना रुपए देकर So, यहाँ पे कर दिया है, तो किससे खरीदा है वो फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग लिखेंगे अगेन तो uh, यहाँ पे नहीं बोला कि कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है सो so, हम लोग यही अज्यूम कर लेंगे कि क्रेडिट में बेचा है तो जब भी गुड्स बाहर जाएगा तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज गुड्स का नेचर इज डेबिट तो गुड्स जब भी कम होगा तो वो क्रेडिट होगा उल्टा होगा तो गुड्स अकाउंट तो हम लोग लिखते नहीं है तो उसके प्लेस पे हम लोग लिखते हैं सेल्स अकाउंट सो होगा यहाँ पे टीना से खरीदा है तो टीना अकाउंट डेबिट बिकॉज टीना हमारी डेटर है वो हमें बाद में पैसे देगी तो टीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टीना को बेचा है सो so, टीना इज आर डेटर तो डेटर अकाउंट माना टीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट था गुड्स फॉर कैश ट्वेंटी थाउजेंड अब यहाँ पे बोल दिया है तो सिंपल कैश आ रहा है गुड्स बेचा है तो गुड्स कम हो रहा है तो टू सेल्स अकाउंट और क्या आ रहा है अंदर कैश कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ट्वेंटी को सोल्ड गुड्स टू उमंग फॉर रूपीज सिक्स थाउजेंड फॉर कैश रुपीज सिक्स थाउजेंड अब यहाँ पे बोल दिया कैश भी बोल दिया कि कैश में बेचे हैं और किसको बेचे उमंग को तो किसको बेचे उससे हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता हमें कैश मिल चुका है हमने माल दे दिया है हमने माल दे दिया है so, सो कौन लिया है कौन दिया उससे फर्क ही नहीं पड़ता है काम हो गया हमारा सो so, यहाँ यहाँ पे अगेन कैश टू सेल्स होगा ट्वेंटी फर्स्ट में सोल्ड गुड्स टू प्रिया ऑन क्रेडिट अब यहाँ पे बोल दिया है कि क्रेडिट में बेचा है प्रिया को सो so, हमारी डेटर कौन है यहाँ पे प्रिया तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ट्वेंटी सेकेंड में रिटर्न गुड्स टू सिमरन ओके गुड्स रिटर्न करना है अब सिमरन से हम लोग गुड्स खरीदे कब थे मे इलेवन को ठीक है इसका कोई काम नहीं है, स्टिल, हम लोग तो अब तीन हजार का गुड्स जब हम लोग उसको वापस कर रहे हैं तो अब उसको तीन हजार रुपया कम देंगे ना हम लोग तो सिमरन अकाउंट डेबिट सिमरन हमारी क्रेडिटर थी तो क्रेडिटर को अब तीन हजार रुपया कम देना है तो क्रेडिटर को जब कम देना है तो उसको उल्टा करेंगे उसको डेबिट करेंगे तो सिमरन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट अब यहाँ पे आप रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न दोनों ही लिख सकते हो जो आपका मर्जी तो मैंने यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा हुआ है तो सिमिलर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स ट्वेंटी थर्ड में हमारे पास गुड्स रिटर्न फ्रॉम टीना अब टीना ने हमसे गुड्स खरीदा था सेवनटीन मे को सो सेवेंटीन मे को खरीदा था और ट्वेंटी थर्ड मे को वो वापिस कर रही है कुछ गुड्स और उसने भी वैसे हमसे उधार में खरीदा था तो अब टीना हमारी डेटर थी हम लोग को उससे पंद्रह हजार मिलना था तो अब जब वो हम लोग को रिटर्न कर दिया एक हजार का गुड्स तो अब उससे हम लोग को एक हजार रुपया कम मिलना है तो टू टीना अकाउंट लिख देंगे वन थाउजेंड एंड रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे टेकन बाई द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज अब एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि प्रोपराइटर चाहे बिजनेस से कैश निकाले या गुड्स निकाले या कुछ भी निकाले स्टेशनरी निकाले वो हमेशा ड्राइंग्स ही होगा अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे तो वो हमेशा ड्राइंग्स होगा सो so, यहाँ पे निकाला है वन थाउजेंड रुपीज तो गुड्स निकालना कैश नहीं निकालना तो जब भी गुड्स आएगा तो हम लोग या तो परचेज अकाउंट लेंगे या सेल्स अकाउंट बट यहाँ पे परचेज अकाउंट लेंगे हम लोग सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ट्वेंटी सिक्स में बॉट लैंड फॉर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड सो लैंड टू कैश लैंड इज हमारा एसेट तो एसेट तो हमेशा डेबिट होता है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ट्वेंटी परचेज मशीनरी फॉर कैश फोर्टी फाइव थाउजेंडीनरी बॉट कम्प्यूटर्स फ्रॉम एबीसी कम्प्यूटर्स फॉर रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब यहाँ पे देख लो हमारे को ये नहीं बोले कि हम लोग कैश में खरीदे की नहीं लेकिन हम लोग किससे खरीदे उसका नाम दे दिया है सो so, जब नाम दिया रहे और ये ना बताए कि कैश में खरीदे हैं कि उधार में तो हम लोग को समझ लेना अज्यूम कर लेना है कि हमने कैश में नहीं खरीदा है हमने उधार में खरीदा है सो बॉट कंप्यूटर्स खरीदे क्या है कंप्यूटर तो कंप्यूटर तो एसेट है वो हमेशा डेबिट होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और हम लोग को किसको पैसा देना है हु इज द क्रेडिटर हियर क्रेडिटर्स क्रेडिटर इज एबीसी कंप्यूटर्स सो टू ए बी सी कम्प्यूटर अकाउंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी एट्थ मे का ट्वेंटी नाइन्थ मे का एंट्री आप लोग खुद देख लो माने सोचो कैसे होगा देन आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा उसमें आप चेक करना आंसर आपने सही गैस किया है या नहीं आपने सही किया है या नहीं गुड लक